Assalamualaikum खातून औलाद, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम अहमद और आप लोग देख रहे हैं यंगस्टर ईरा। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं प्रोडक्ट का रिव्यू जिसका नाम है बोया BYM1। तो चलिए देखते हैं, दिस वीडियो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय बोया, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यंगस्टर ईरा। तो ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह नॉर्मल वीडियो नहीं है, हमारी फनी वीडियो या ब्लॉग भी है। तो आज हम एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट रिव्यू करने जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो प्रोडक्ट है बोया BYM1 शॉटगन माइक। तो ये माइक हमने खरीदा है, हमारे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा माइक है। तो अब हम आपके सामने इसका एक्सपर्ट रिव्यू पेश करते हैं। तो गाइस, ये हमारा प्रोडक्ट है बोया BYM1 माइक, शॉटगन माइक है, ये कार्डियोटोनल माइक है। तो अब हम आपके सामने इसका एक्सपर्ट रिव्यू पेश करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक डब्बा आता है ब्लू और व्हाइट स्कीम में। फिर अब हम इसको जब डब्बे को खोलते हैं तो अंदर से एक प्लास्टिक का पाउच सा निकलता है जिसके अंदर हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बोया BYM1 का यूजर मैनुअल होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि हम पढ़ते हैं नहीं। फिर उसके बाद ये है हमारे पास मेन माइक, ये माइक सब कुछ है। फिर इसके बाद हमारे पास इसका होल्डर है, इसके हमारे लिए ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास कभी हम DSLR या कैमरा यूज करते हैं उसके लिए केबल, और अगर हमने अगर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है तो ये उसकी केबल। उसके अलावा अगर हमने इसको कहीं कैरी करना है, कहीं लेके जाना है, तो हम हमारे लिए उसके लिए हमारे पास ये पाउच है। ये देखिए, हम इस पाउच के अंदर डालेंगे, इसके साथ इसकी एसेसरीज सारी इस पाउच के अंदर डालेंगे और अल्लाह हाफिज़ हो जाएंगे, यानी अल्लाह खैर सलाह हो जाएगा। लेकिन अब हम ये सब कुछ तो हो गया इसके प्रोडक्ट्स और हमने आपको इसके अंदर आने वाली सारी चीज़ें बता दी, अब हम इसका एक्सपर्ट रिव्यू पेश करते हैं। वैसे तो ये माइक बहुत अच्छा है, इसकी सारी इन्होंने चीज़ें पैकिंग बहुत अच्छी की है। अगर हम इसको इसमें से निकाल के देखें तो ये छोटा सा माइक है, अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये जो आप हमारी वॉइस सुन रहे हैं ये बिना माइक के है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे क्या इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी क्या कहते हैं, ये रिकमेंड कर आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो चलिए अब हम आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो गाइस, अब हमने ये माइक सेट कर लिया, अभी हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल है जिसे ये हमने किस तरह सेटअप किया है। अब आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ये माइक की है। अब मैं थोड़ा आहिस्ता बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये माइक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है, -32 इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक है। आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है सेंसिटिविटी -42 डेसिबल्स, ये सेंसिटिविटी -42 डेसिबल की है। अगर मैंने ज़्यादा ऊंचा बोला तो ये, अगर आप हैंडफोन यूज़र हैं तो फिर रिप योर एयर्स, लेकिन मैं थोड़ा आहिस्ता बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से सुन सकें। अब ये देखें, हमने यहाँ पर ट्राइपॉड पर सेटअप किया है, ले इसका होल्डर जो भी हमने आपको दिखाया था, ये देखें, ये वो वाला होल्डर हमने एक ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर दिया। वो किसी भी ट्राइपॉड पे हो सकता है क्योंकि हर ट्राइपॉड पे एक गिम्बल लगाने का पोर्ट होता है। तो हमने उस पोर्ट पे ये सेट कर दिया और अब हमारे पास ये माइक एक क्या कहते हैं एज अ स्टैंड बाई हमने उस पर लगा दिया ट्राइपॉड पे ताकि हम वॉइस रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन अगर आप कैमरा या कुछ मोबाइल के ऊपर भी इस तरह करके अपने मोबाइल के साथ रख सकते हैं ताकि आप वीडियो शूट करना चाहते हैं कोई छोटी मोटी जिसमें आपको थोड़ी दूर करके कोई साउंड रिकॉर्ड करना है, आप वो कॉलर माइक यूज़ करना प्रेफर नहीं करते तो आप ये माइक यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये अब आपने हमारा इंडोर व्यू देखा है, इसमें आपको साइड पे कोई शी शी या इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो ये जो ये इसका जो ये ऊपर फर से हैं ये इसका फ़ायदा है। अब हम आपको आउटडोर लेके जाएंगे और हम आपको तब रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि तब कैसी वॉइस आती है। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, तो गाइस अब हम आउटडोर आ गए हैं, आपको बर्ड्स की चिपरिंग यानी चिड़ियों के बोलने की आवाज़ तो आ रही होगी, साथ ही साथ हमारे हमसायों ने भी हमें तंग करने का ठेका उठा रखा है और आपको झाड़ू लगाने की भी आवाज़ आ रही होगी। ये देख रहे हैं कि ये कितना सेंसिटिव माइक है, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ कि हम ज़्यादा क्या कहते हैं ये आपके कानों के लिए नुकसानदेह ना हो। अब साइड से एटमोसफेयर में आपको हर तरह की आवाज़ इधर उधर से आ रही होगी। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये माइक ख़रीदें क्योंकि ये बहुत अच्छा माइक है, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। गाइस, अब आपने कैमरे माइक और माइक के बगैर व्यू देख तो लिया, अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो गया होगा, अगर नहीं हुआ लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। ऑडियो में अब एडिटिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप ये माइक ख़रीदें, ये माइक अच्छा है। अगर आप लो बजट में ख़रीदना चाहते हैं आपको दराज से मिल जाएगा 3,500 का, हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे सेल्स और डील्स होती हैं जहाँ आपको ये अच्छे रेट में मिल जाएगा, अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, आप ख़रीद सकते हैं। ये आपके लिए, अगर आप बिगनर हैं, बिगनिंग कर रहे हैं अपने करियर की, तो आपके लिए ये माइक बेस्ट है, तो आप प्लीज़ ये माइक यूज़ करें। सो आल्सो टेक केयर एंड बाय बाय।
टंग 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 टंग